नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आएगी रोजगार की बहार, युवा नौकरी पाएंगे 8000। अडानी ग्रुप, एलएनटी, पेटीएम, ओला, ओप्पो समेत करीब 50 कंपनियां करेंगी युवाओं का चयन। 3 अगस्त को MMTU गोरखपुर में आयोजित होगा वृहद रोजगार मेला। युवाओं को प्रेरित करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे गोरखपुर। शहद के स्टार्टअप से सर्वविदित हो गए गोरखपुर के निमित। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में युवाओं के लिए नजीर के रूप में निमित का किया जिक्र। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मिले ऋण ने दी स्टार्टअप को नई ऊंचाई। निमित की सराहना के लिए सीएम योगी ने दिया पीएम मोदी को धन्यवाद। मुंशी प्रेमचंद की 142वीं जयंती के अवसर पर मुंशी प्रेमचंद पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और इप्टा द्वारा उनकी कहानी पर आधारित नाटक मैकू की प्रस्तुति कर दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, युवा पीढ़ी का प्रेमचंद के साहित्य की गहराइयों को समझने में रुचि लेना एक बदलाव का है सुखद संदेश। जिला अपराध निरोधक कमेटी की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। ने कहा, जेल के अंदर कैदियों के बीच में जाकर उनको उत्साहित करके उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करती है कमेटी। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ राज्यसभा सांसद डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने सुनी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात। कहा, पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक उपलब्धियों से करा रहे हैं परिचित। गोरखपुर में 39 केंद्रों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा सकुशल हुआ संपन्न। 18613 अभ्यर्थियों में से 16500 अभ्यर्थी ही परीक्षा में हुए शामिल। 2079 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तथा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में महापौर ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, जिन लोगों के घरों पर तिरंगा नहीं पहुंचा है उनके घरों पर लगाया जाएगा तिरंगा झंडा। मुहर्रम महीने की 10 तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन एक धर्मयुद्ध में हो गए थे शहीद। नया इस्लामिक वर्ष 1443 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 अगस्त 2022 से होगा शुरू। इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य अदनान फारूक अली शाह उर्फ मियाँ साहब ने कहा, परम्परागत ही निकलेंगे जुलूस, कोई नई नहीं होगी रवायतें। श्रम विभाग के द्वारा कचहरी बस स्टैंड स्थित कार्यालय पर मजदूरों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लगाया गया कैंप। लिस्ट में शामिल मजदूरों ने पहुंचकर बनवाया अपना आयुष्मान कार्ड, होगा 5 लाख का मुफ्त इलाज। और रविवार को जनपद में दिनभर होती रही छिटपुट बारिश, लोगों को मिला गर्मी और उमस से राहत। अब खबरें विस्तार से। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार की पहल पर नियमित तौर पर आयोजित हो रहे रोजगार मेले बड़े कारगर साबित हो रहे हैं। रोजगार मेलों के जरिए कंपनियों को योग्य मानव संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं तो बेरोजगार युवाओं को बड़े पैमाने पर नौकरी मिल रही है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MMTU परिसर में 3 अगस्त को वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार का बहार लाने वाले इस मेले में एक ही स्थान पर एक ही दिन करीब 8000 युवाओं को नौकरी मिलने जा रही है। मेले में प्रतिभाग के लिए अडानी ग्रुप, एलएनटी, पेटीएम, ओला, ओप्पो समेत करीब 50 कंपनियों ने सहमति जताई है। खास बात यह है कि इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को प्रेरित करने के लिए आएंगे। आत्मनिर्भर भारत व हर हाथ को काम के मंत्र को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के युवाओं को रोजगार का मंच उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के 25 क्लस्टरों में प्रतिमा वृहद रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 3 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से
आईटीआई, कौशल विकास मिशन, पॉलिटेक्निक एवं सेवा योजन विभाग की तरफ से गोरखपुर के ट्रिपल एम यूटी में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान तकनीकी व गैर तकनीकी क्षेत्र में 8000 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में सेवायोजित करने का लक्ष्य है। युवाओं का चयन करने के लिए बेंगलुरु, नई दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, पुणे, नोएडा, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर समेत विभिन्न शहरों की करीब 50 कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त आईटीआई डिप्लोमा, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल इंटरमीडिएट, स्नातक और स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी तकनीकी व गैर तकनीकी पदों के लिए अपनी योग्यता अनुसार सेवा योजन विभाग के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर वृहद रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। 3 अगस्त को ट्रिपल एम टी यू गोरखपुर में आयोजित हो रहे वृहद रोजगार मेले में युवाओं का मार्गदर्शन करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। उनके यहां 10 से 11 बजे तक आने की उम्मीद है। सीएम की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई पहल पर कई बड़ी कंपनियों की तरफ से रोजगार मेले में आने की सहमति व्यक्त की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों 3 अगस्त को गोरखपुर को 125 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर 2 अगस्त नागपंचमी को गोरखपुर आएंगे। वह यहां आयोजित परंपरागत कुश्ती प्रतियोगिता में अलग अलग खिताब हासिल करने वाले पहलवानों को सम्मानित करेंगे। 3 अगस्त को ट्रिपल एम टी यू में आयोजित वृहद रोजगार मेले में युवाओं का मार्गदर्शन करने के बाद दोपहर 12 बजे से नगर निगम गोरखपुर की 125 करोड़ रुपए की लागत वाली 86 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम योगी राजबाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होगा। इस दौरान वह नगर निगम की नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की ओर से यहां दिव्यांगों को सीएम योगी आदित्यनाथ ट्राईसाइकिल का वितरण भी करेंगे। साथ ही सीएम के हाथों केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित होने का अवसर मिलेगा। मधुमक्खी पालन और खुद के ब्रांड के शहद उत्पादन का स्टार्टअप शुरू कर गोरखपुर के निमित सिंह आज पूरे देश में सर्वविदित हो गए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से अनुदानित लोन लेकर अपने स्टार्टअप को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले निमित की चर्चा रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की। पीएम मोदी ने उनके स्टार्टअप के मुक्त कंठ से सराहना की और उनका उल्लेख युवाओं के लिए नजीर के रूप में किया। पीएम द्वारा गोरखपुर के निमित सिंह की सराहना किए जाने पर सीएम योगी ने उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। निमित सिंह मूलतः गोरखपुर के दिव्य नगर कॉलोनी के रहने वाले हैं और संप्रति बाराबंकी में मधुमक्खी पालन और मधुमक्खी वाला ब्रांड से कई रेंज में शहद कारोबार करते हैं। उन्होंने अन्नामलाई विश्वविद्यालय से वर्ष 2014 में मैकेनिकल ट्रेन से बीटेक किया। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने नौकरी करने के बजाय खुद का स्टार्टअप शुरू करने का निर्णय लिया। उनके पिताजी डॉक्टर के एन सिंह ने उन्हें मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में हाथ आजमाने की सलाह दी। स्टार्टअप शुरू करने से पहले बुनियादी जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने सिक्किम, कोलकाता, झारखंड समेत आधा दर्जन राज्यों में भ्रमण कर मधुमक्खी पालन का तौर तरीका देखा और सीखा। इस दौरान ही उन्होंने दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से MBA की पढ़ाई भी पूरी कर ली। 2016 में उन्होंने 50 बॉक्स से मधुमक्खी पालन शुरू किया, फिर अपने तैयार शहद को खुद ही बाजार में उतारने का फैसला किया। वह खुद ही लखनऊ में अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर जाते और खुद द्वारा उत्पादित शहद को अपने ब्रांड से बेचते। अपने ब्रांड के शुद्ध शहद के प्रति लोगों का शानदार रिस्पॉन्स देख निमित ने 2018 में स्टार्टअप को विस्तार देने का फैसला किया। उनके इस फैसले में मददगार बनी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसके तहत उन्होंने 10 लाख रुपए का लोन लेकर मशीन व अन्य उपकरण स्थापित कर शहद उत्पादन को औद्योगिक रूप दिया। उनके मधुमक्खी पालन का बेस बाराबंकी है। अपने ब्रांड को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए उन्होंने लखनऊ के चिन्हट में लैब भी बना रखी है। लैब में शहद के स्वाद,
गुणवत्ता व औषधीय गुणों का नियमित परीक्षण किया जाता है। निमित बताते हैं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लोन लिया जो उन्होंने चुका दिया है। अब कारोबार को और विस्तार देने के लिए प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम से 15 लाख रुपए का ऋण लिया है। निमित सिंह सिर्फ मधुमक्खी का पालन ही नहीं करते हैं बल्कि उससे निकले शहद पर निरंतर शोध भी करते हैं। अपने रिसर्च में वह अलग अलग फूलों फलों वाले 8 प्रकार के स्वाद व मेडिसिनल गुणों वाले शहद को बाजार में उतार चुके हैं। निमित सिंह अपने शोध का हवाला देकर बताते हैं कि जहां सरसों लीची जामुन यूकिलिप्टस नीम बबूल तिल तुलसी आदि की फसलें हैं वहां पर वैसे ही सुगंध स्वाद रंग और औषधीय गुण वाला शहद तैयार हो रहा है। उन्होंने जिस फल या फूल के तत्व से शहद बना है उसी के मुताबिक नाम देकर बाजार में उतारा है। यही नहीं मधुमक्खी वाला ब्रांड के लिए बाजार हेतु उन्होंने किसी कंपनी का सहारा लेने के बजाय खुद ही मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म तैयार किया है। निमित ने सिर्फ शहद के कई फ्लेवर ही नहीं तैयार किए बल्कि इसके बचे मोम से मोमबत्ती खिलौने साबुन आदि भी तैयार किए। बाराबंकी के चैनपुरवा गांव में उन्होंने पुलिस अधिकारी अरविंद चतुर्वेदी की पहल पर 115 ऐसे परिवारों को मोम के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देकर आजीविका से जोड़ा है जो कभी शराब के कारोबार व नशे के लिए बदनाम थे। निमित के स्टार्टअप का एक छोटा प्रयास आज सालाना 2 करोड़ रुपए के टर्नओवर का रूप ले चुका है। उनके शहद उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक के नेटवर्क में 700 लोग रोजगार पा रहे हैं। इतना ही नहीं निमित उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के अलावा पंजाब तमिलनाडु बंगाल उत्तराखंड व राजस्थान में बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देकर उनको अपने ब्रांड के नाम से ही शहद बेचने के लिए प्रेरित किए। अब तक वह 500 से अधिक किसानों को इस कार्य से जोड़ चुके हैं। इस 7 दिन के प्रशिक्षण आदि का वह कोई खर्च नहीं लेते हैं, बस उनको अपने ब्रांड के नाम से ही शहद बेचने के लिए प्रेरित करते हैं। नियमित युवाओं व किसानों को स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित करते हैं। वह बताते हैं कि हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत राज्य सरकार एक इकाई 50 बॉक्स लगाने पर आने वाले व्यय 2,20,000 रुपए पर 40% सब्सिडी देती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी खुद का काम शुरू करने के लिए संजीवनी है। इच्छुक युवाओं को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए वह खुद पहल भी करते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में यह कहा, शहद उत्पादन में आज इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले युवा भी इसे अपना स्वरोजगार बना रहे हैं। ऐसे ही एक युवा हैं यूपी में गोरखपुर के निमित सिंह। निमित जी ने बीटेक किया है, उनके पिता भी डॉक्टर हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद नौकरी की जगह निमित जी ने स्वरोजगार का फैसला लिया। उन्होंने शहद उत्पादन का काम शुरू किया, क्वालिटी चेक के लिए लखनऊ में अपनी एक लैब भी बनवाई। निमित अब शहद और बी वैक्स से अच्छी कमाई कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। मन की बात में रविवार को गोरखपुर के निमित सिंह के स्वरोजगार की चर्चा करने के लिए सीएम योगी ने पीएम मोदी के प्रति आभार जताया है। इस संबंध में एक ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में आज हनी शहद और बी वैक्स उत्पादन के क्षेत्र में गोरखपुर के निमित सिंह की लगनशीलता को सराहा है। निमित के प्रयास असंख्य युवाओं को स्वरोजगार व रोजगार सृजन के लिए प्रेरित करेंगे। आभार प्रधानमंत्री जी।
मुंशी प्रेमचंद जी की 142वीं जयंती के अवसर पर साहित्यकारों और प्रेमचंद को चाहने वालों ने बेतिहाता स्थित मुंशी प्रेमचंद पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको याद किया और उनकी याद में गोष्ठी और नाटक भी किया गया। आपको बता दें कि उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की 142वीं जयंती मनाई गई। मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली गोरखपुर ही रही, उन्होंने इसी शहर में अपनी पढ़ाई भी की और अध्यापक के रूप में पढ़ाया। उन्होंने दो बैलों की जोड़ी, ईदगाह, रामलीला, बूढ़ी काकी, कफन, पंच परमेश्वर, गोदान, गबन जैसी अन्य पुस्तकें लिखी हैं, जिसके संबंध में समाज सेवी डॉक्टर मुमताज खान ने बताया कि मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर मुंशी प्रेमचंद पार्क में इप्टा द्वारा उनकी कहानी पर आधारित नाटक मैकू की प्रस्तुति की गई। उन्होंने कहा कि जिस शहर में मुंशी प्रेमचंद ने अपना बचपन और अपनी जवानी बिताया, वहाँ के लोग अब उनको अपने शहर से जुड़ा पाकर खुद को गर्व महसूस करते हैं। पिछले कुछ सालों से प्रेमचंद जी के साहित्य को लेकर गोरखपुर में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि स्कूल की किताबों से मुंशी प्रेमचंद की कहानियां भले ही धीरे धीरे गायब हो रही हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी प्रेमचंद जी के साहित्य को पढ़ने और उनके साहित्य के गहराइयों को समझने के लिए इस पार्क में आ रहे हैं, जो एक बदलाव का सुखद संदेश है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाज सेवी डॉक्टर मुमताज खान ने कहा, पुलिस ना बोलेगी।
अरे पुलिस तो वहाँ बोलती है भैया, यहाँ दो चार रुपये मिलते हैं और औरतों का मामला जहाँ होता है औरतों का। पुलिस कोई काम नहीं करती है बल्कि भैया पुलिस तो और सा जाती है। ठेकेदार ने तो पुलिस वालों को सैकड़ों रुपये दे रखे हैं। अब ऐसे समय भैया वो पुलिस वालों का साथ नहीं देंगे, ठेकेदार का साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? अब उल्टा हमारे ऊपर कसर निकाल दे तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे भैया कोई कसर वसर नहीं निकालेंगे, तुम्हारी जान की ओर की जा रही है। हमारी जान नहीं अटकी जा रही है, हम तो ये कह रहे हैं भैया उल्टा कहीं हमारे ऊपर डंडा चला लेंगे तो क्या करेंगे? अरे भाई स्वराज ही किसी के ऊपर डंडा नहीं चलाते, भले ही कोई उनको मार पीटे। अरे वो बिना मकसद के कोई काम नहीं करते हैं। आपकी मजहब में ताली हराम है। अरे अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं? ना ना मैं ना हटूंगा, आपको ताड़ी घर में नहीं जाना है। नहीं जाना है जी, ताड़ी खाने में आपको नहीं जाना है। हट रहा है, देख आओ देख तुमको भी हट। भाई भगवान भाई भाई तू का घूम रहा है? तू भाग, मैं ना जाने वाला। जाओगे? नहीं, अंदर नहीं जाने देंगे आपको। उठोगे कि नहीं? तू नहीं उठूंगा। देखो हमें अंदर जाकर के ताड़ी नहीं पीना है, दूसरा काम है, हट जाओ बता दे रहे। नहीं नहीं, मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आपको जाना ही है तो मेरी छाती पर से ला करके चले जाइए। आप तो खराब है, मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उठ जाओ। मार ले तो कैसे चलेगा? अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं सर झुकाए बैठा हूँ, आप चाहे जितना मार लीजिए। अरे लगाए आपको जाने नहीं लगाए कैसे थप्पड़? चलो अरे चाली नहीं पीता आपको, जाओ। ठीक है, अगर आपने कहा है कि आपको दूसरा काम है तो जाइए, लेकिन हाथ जोड़ करके आपसे विनती है, वादा ना भूलिएगा। चलो 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 चलो, वादा ना भूलिएगा। बहुत वादा है, ताली पिलाइए मुफ्त में। हट, तुम जो कह रहे हट, ताली पिया है, ताली वो मैंने नहीं किया और कुछ और कर बैठा, क्या करता? तुम्हारे रकूबत है तो मारो इस स्वराजियों को, मेरे में कुबत नहीं है। एक तमाचा किल मारो तासिल, एक तमाचा। डॉक्टर मुमताज खान, आज प्रेमचंद जयंती के अवसर पर यहाँ इस परिसर में प्रेमचंद पार्क में पिछले 25-30 वर्षों से एप्टा द्वारा लगातार हर वर्ष एक नाट्य प्रस्तुति की जाती है उन्हीं की कहानी पर आधारित, तो उसी क्रम में आज जिस कहानी का नाट्य रूपांतरण करके यहाँ प्रस्तुत किया गया उसका नाम है मैकू। तो मैकू एक पात्र है जो ये महसूस कराता है कि समाज में जो विकृति है, शराब पीने की, ताड़ी पीने की या और भी चीज़ें हैं जिसे आप कह सकते हैं, तो वैश्यावृत्ति की या उसके बाद लड़ाई झगड़ा फसाद करने की, तो उसमें एक पात्र जिस मैकू ने जिस तरह से चीज़ों को व्यवस्थित करके नाट्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वो इस बात का संदेश देता है कि गांधी जी ने उस ज़माने में जो शराबबंदी के लिए लोगों को आह्वान किया था तो उसी का एक रूप है, क्योंकि उनके ही कहने पे वो पूरे क्षेत्र में ताड़ी बिक्री बंद है और स्वराजियों ने पूरे ताड़ी खाने को घेर रखा है। तो आप देखें कि अगर इस गोरखपुर में ताड़ी खाने के उस समय के दौर को याद करें तो आपको लगेगा कि हाँ, जब ताड़ी बिक रही होती थी, लोग पीने आते थे, तो किस तरह से वहाँ चखना बेचने वाली महिलाएँ या आसपास कुछ वैश्याएँ टहलती रहती थी। तो ये जो प्रेमचंद जी सिर्फ लिख देते हैं उसको आप दृश्यांकित करते हैं तो आपको लगता है कि कहानी कुछ कहना चाहती है, उसी क्रम में आज की ये प्रस्तुति मैकू सबके सामने प्रस्तुत की गई। जयंती के अवसर पर ही तो हर वर्ष होता है ना भाई, और इसी क्रम में इप्टा के साथियों ने वहाँ पर प्रेमचंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उसके बाद नाटक किया है।
जिला अपराध निरोधक कमेटी के तत्वावधान में बैंक रोड स्थित एक निजी होटल में समीक्षा बैठक व प्रेस वार्ता की गई, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश के अपराध निरोधक समिति के प्रधान सचिव कमलीश श्रीवास्तव ने बताया कि विगत वर्षों से कुछ विरोधी तत्वों द्वारा अवसरवादी नीति के अंतर्गत विभिन्न जिलों में अपराध निरोधक समिति के नियमावली के विपरीत अपने अलग स्तर पर अलग संगठन कर लिया था, जिससे भ्रम की स्थिति हो गई थी। इससे संबंधित एक वाद उच्च न्यायालय में दाखिल था तथा 22 जुलाई को अंतिम निर्णय आया, जिसमें नई संस्था को खारिज करते हुए पुरानी एवं मूल संस्था को कायम रखने का न्यायालय ने आदेश दिया है। हमारी कमेटी कार्य लगातार कर रही है, कहीं पर भी किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति ना हो, इस संबंध में यह प्रेस वार्ता की गई है। उन्होंने कहा कि जिला अपराध निरोधक कमेटी जेल के अंदर कैदियों के बीच में जाकर उनको उत्साहित करके उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करती है। इस अवसर पर समिति के सचिव डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव, इंदर सिंह, डॉक्टर के पांडे, के गुप्ता, विनय गुप्ता, अंगद सिंह, राजकुमार यादव, शशिधर श्रीवास्तव, प्रवीण श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के प्रधान सचिव कमलेश श्रीवास्तव एवं उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्प दंत जैन ने कहा, ये किस तरह की बैठक की गई और क्या उद्देश्य था इस बैठक में? आज जो प्रेस वार्ता है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कुछ लोगों ने भ्रांति और भ्रम फैलाने की कोशिश की थी संस्था में, तो एक केस हाई कोर्ट से जजमेंट हो गया है, तो हम लोग के पक्ष में और कार्य तो हम लोग निरंतर लगातार कर ही रहे हैं। अब कोई भ्रम और भ्रामक स्थिति ना फैल पाए, इसी के लिए प्रेस वार्ता आज आहूत की गई थी। और जिला कमेटी बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रही है, कारागार में भी, कारागार से बाहर भी, उसकी विस्तृत जानकारी आपको श्री जैन साहब से उपलब्ध हो जाएगी। आज जिला अपराध निरोधक कमेटी गोरखपुर की इकाई के द्वारा यहाँ पर एक बैठक रखी गई है, और वो बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले कई सालों से कुछ लोगों ने जिला अपराध निरोधक कमेटी जो इस समय चल रही है और इसके खिलाफ जो है वो अपने को ये कहते थे कि ये असली जिला अपराध निरोधक कमेटी के पदाधिकारी हम लोग हैं, जो आदरणीय हमारे कमलेश श्रीवास्तव जी जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं, और यह सरकार द्वारा जो है इस कमेटी का गठन होता है और गवर्नर इसका मेन बॉडी होता है, उसी तरफ से होता है। तो यह कमेटी जेलों में विशेष रूप से जेल के अंदर कैदियों में जा करके उनको प्रोत्साहित करना, उनको अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना, और जेल में जो असुविधाएँ बहुत सी हैं वो सुविधाओं को मुहैया कराना इस कमेटी का मेन मुख्य उद्देश्य ही है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह कमेटी सदैव निरंतर जेलों में जा कर के अच्छे अच्छे कार्य कर रही है। वहाँ पर बच्चों का भी पढ़ाने का एक सेंटर खोला हुआ है, छोटे बच्चों को वहाँ पढ़ा शिक्षित किया जाता है, महिलाओं को भी पढ़ाया लिखाया जाता है, और उसके साथ साथ जो कैदी हैं उन कैदियों को भी जो है ये होता है कि एक मीटिंग करके उनको भी अच्छे कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है, और उनकी सुख सुविधा के लिए जेलों में हम लोग कैंप भी लगाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने नेत्र शिविर लगाया था, दंत चिकित्सा का जो है वहाँ भी परीक्षण कराया गया था, जिसमें करीब करीब 150 से 200 पेशेंट जो है अलग अलग दोनों का उन्होंने निरीक्षण किया था डॉक्टरों ने, 10 लोग डॉक्टरों, 8 लोग डॉक्टरों की टीम गई थी वहाँ पर। अभी गर्मियों में पेयजल का बहुत संकट था, तो वहाँ वाटर कूलर जो है वो लगवाया गया। उसके साथ साथ और भी सेवा कार्य जो है वहाँ पर होते रहते हैं, जिला अपराध निरोधक कमेटी अपने तरफ से करती रहती है, और साल में कई बार वहाँ जा करके जो भी सुख सुविधाएँ हैं
कंबल बांटना हुआ है और जो कार्य हुए उन कैदियों के बीच में करती रहती है। इसके साथ साथ समाज में और भी बहुत सी संस्थाएं हैं, जैसे कुष्ठाश्रम है, मूक बधिर स्कूल है, और भी एक अनाथ बच्चे जो थे, अनाथ के साथ साथ जो परिवारों में भी बच्चे रहते थे वो कूड़ा बीनते थे और वो दिन भर घूमते थे, उन बच्चों को मोटिवेट करके एक प्राइमरी स्कूल है बसंतपुर में, वहाँ पर उन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, दो टीचर रख करके उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कल्चरल प्रोग्राम बच्चे कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ के कई बच्चे नवल सेकेंडरी में, उन लोगों का जो अच्छे बच्चे थे वहाँ हम लोगों ने वहाँ पर एडमिशन कराया और वो बच्चे अच्छे मेरिट के संख्या में जो है प्राप्त किए हैं। तो इस तरह से एक सेवा प्रकल्प जो है, हम लोग अभी कोरोना काल में भी अनाज वगैरह वितरित किया गया और सेवा कार्य किया गया। तो ऐसे ही है, जिला अपराध निरोधक कमेटी गोरखपुर की इकाई निरंतर हमारे सचिव डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव जी हैं, इंदल जी हैं और अचिंत लहरी जी हैं, कर्णकारी हैं, तमाम हमारे बहुत से लोग जो इस कमेटी के महत्वपूर्ण अंग हैं, उन लोगों के नेतृत्व में गोरखपुर की इकाई अच्छा कार्य कर रही है। मैं आज अब हम लोगों को जो कोर्ट में जो केस चल रहा था उसमें ही जो 22 जुलाई को आदेश आया और उसमें जो विजय हुई है, अब यह कमेटी खुल करके और अच्छा कार्य करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को यह सूचित करना चाहता हूं कि यह कमेटी जन सेवा में आगे भी इसी तरह से और बढ़ चढ़ के कार्य करेगी। धन्यवाद। राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने रुस्तमपुर स्थित एक निजी लॉन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुना, जिसके संबंध में राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया कि मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को उनके घरों में बैठे बैठे पूरे देश के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक उपलब्धियों से परिचित करा रहे हैं। पूरी दुनिया में शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों को उनके देश की जानकारियां दी होंगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि गोरखपुर के रहने वाले निमित कुमार सिंह शहद का व्यापार कर रहे हैं, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद शहद का उत्पादन कर राष्ट्रीय योगदान दे रहे हैं, जो कि गर्व का विषय है। इस अवसर पर रुस्तमपुर पार्षद कनकलता सिंह, धर्मेंद्र सिंह, कृष्ण मोहन शाही, कौशल किशोर मल, राम श्रृंगार, राम मिलन, मनीष पांडे, श्रवण मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, 15 से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। कर्नाटका के एक और किसान है मधुकेश्वर हेगे जी, उन्होंने अपने काम में इनोवेशन किया और वो जामुन शहर, तुलसी शहर, आंवला शहर जैसे वानस्पतिक शहद भी बना रहे हैं। मधुकेश्वर जी, मधु उत्पादन में आपके इनोवेशन और सफलता, साथियों आप सब जानते हैं कि शहद को हमारे पारंपरिक स्वास्थ्य विज्ञान में कितना महत्व दिया गया है। आयुर्वेद ग्रंथों में तो शहद को अमृत बताया, आरोग्य भी देता है। शहद उत्पादन में आज इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले युवा भी इसे अपना स्वरोजगार बना रहे हैं। डॉक्टर है लेकिन पढ़ाई के बाद नौकरी की जगह निमित जी ने स्वरोजगार का फैसला किया। उन्होंने शहद उत्पादन का काम शुरू किया क्वालिटी चेक के लिए और अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। ऐसे युवाओं की मेहनत से ही आज देश इतना बड़ा शहद उत्पादक बन रहा है। नेशनल बीकीपिंग एंड हनी मिशन जैसे अभियान चलाए, किसानों ने पूरा परिश्रम किया, लगी अभी इस क्षेत्र में और भी बड़ी संभावनाएं मौजूद है। मैं चाहूंगा कि हमारे युवा इन अवसरों से जुड़कर मन की बात के एक श्रोता श्रीमान आशीष बहल जी का एक पत्र मिला है, उन्होंने अब
चंबा के मिंजर मक्के के फूलों को कहते हैं। जब मक्के में मिंजर आते हैं तो मिंजर मेला भी मनाया जाता है और इस मेले में देश भर के पर्यटक दूर दूर से हिस्सा लेने के लिए आते हैं। ये चंबा आते हैं वे इसकी खूबसूरती देखकर महीने भर यहाँ रह जाते हैं। मेले जन मन दोनों को जोड़ते हैं। हिमाचल में वर्षा के बाद मंडी कुल्लू और सोलन में सैरी या सैर भी मनाया जाता है। सितंबर में ही जागरा भी आने वाला है। जागरा के मेलों में महासु देवता का आह्वान करके विशु गीत गाए जाते हैं। महासु देवता का ये जागर हिमाचल में शिमला किन्नौर और सिरमौर के साथ साथ उत्तराखंड में भी होता है। साथियों, हमारे देश में अलग अलग राज्यों में आदिवासी समाज के भी कई पारंपरिक मेले। देखिए, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात पूरी दुनिया के राजनेताओं के लिए एक सबक है। एक व्यक्ति जो 24 घंटे जनसेवा में लगा रहता है, और अब तो मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ, मुझे सौभाग्य है कि मैं प्रत्यक्ष उन्हें काम करते हुए देखता हूँ। वह व्यक्ति राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप के अतिरिक्त अपने नागरिकों को भी प्रशिक्षित करना चाहते हैं। आप पूरे भारत में घूमते हैं, भारत को जानने का प्रयास करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री हमें हमारे घर में बैठा के ही पूरे देश की सारी विशिष्टताओं से अवगत करा देते हैं। जो लोग माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात को लगातार सुन रहे होंगे, उन्हें स्वयं एहसास हो रहा होगा कि वो देश के बारे में उनकी जानकारी कितनी अधिक बढ़ गई और नित्य प्रति बढ़ती है। मैं गोरखपुर का 20 साल विधायक रहा हूँ, आज राज्यसभा में सदस्य हूँ। हमारे ही, मैं शहर का विधायक था इसलिए हो सकता है मैं ना जानूँ, हमारे ही अपने शहर में कोई विनीत कुमार सिंह थे जिनको गोरखपुर के लोग नहीं जाने और माननीय प्रधानमंत्री ने जान लिया। आज गोरखपुर का उन्होंने जिक्र किया, विनीत सिंह का जिक्र किया, और फिर हम लोगों ने जाना कि विनीत सिंह मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद किस प्रकार से शहद के उत्पादन में अपना राष्ट्रीय योगदान कर रहे हैं। तो ये हमारे गोरखपुर के लोगों के लिए भी बड़ी गौरवशाली कथा थी, और इससे ये भी पता चलता है कि माननीय प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं तो कितनी गहराई तक जा करके समाज को देख के समझ करके समाज के किसी भी वर्ग में जिसने भी बेहतर काम किया है उसको हमारे बीच में लाने का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री के लिए, इसके लिए पूरे नागरिकों की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूँ। उनका यह जन प्रशिक्षण और लोक संग्रह का कार्य सनातन चलता रहे, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आएगी रोजगार की बहार, युवा नौकरी पाएंगे 8,000, अडानी ग्रुप, एलएनटी, पेटीएम, ओला, ओप्पो समेत करीब 50 कंपनियां करेंगी युवाओं का चयन। 3 अगस्त को MMTU गोरखपुर में आयोजित होगा वृहद रोजगार मेला। युवाओं को प्रेरित करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे गोरखपुर। शहद के स्टार्टअप से सर्वविदित हो गए गोरखपुर के निमित। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में युवाओं के लिए नजीर के रूप में निमित का किया जिक्र। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मिले ऋण ने दी स्टार्टअप को नई ऊंचाई। निमित की सराहना के लिए सीएम योगी ने दिया पीएम मोदी को धन्यवाद। मुंशी प्रेमचंद की 142वीं जयंती के अवसर पर मुंशी प्रेमचंद पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और इप्टा द्वारा उनकी कहानी पर आधारित नाटक मैकू की प्रस्तुति कर दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, युवा पीढ़ी का प्रेमचंद के साहित्य की गहराइयों को समझने में रुचि लेना एक बदलाव का है सुखद संदेश। जिला अपराध निरोधक कमेटी की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। ने कहा, जेल के अंदर कैदियों के बीच में जाकर उनको उत्साहित करके उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करती है कमेटी।
भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने सुनी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात। कहा, पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक उपलब्धियों से करा रहे हैं परिचित। गोरखपुर में 39 केंद्रों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा सकुशल हुआ संपन्न। 18,613 अभ्यर्थियों में से 16,500 अभ्यर्थी ही परीक्षा में हुए शामिल। 2,079 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तथा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में महापौर ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, जिन लोगों के घरों पर तिरंगा नहीं पहुंचा है उनके घरों पर लगाया जाएगा तिरंगा झंडा। मुहर्रम महीने की 10 तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन एक धर्मयुद्ध में हो गए थे शहीद। नया इस्लामिक वर्ष 1443 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 अगस्त 2022 से होगा शुरू। इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य अदनान फारूक अली शाह उर्फ मियाँ साहब ने कहा, परम्परागत ही निकलेंगे जुलूस, कोई नई नहीं होगी रवायतें। श्रम विभाग के द्वारा कचहरी बस स्टैंड स्थित कार्यालय पर मजदूरों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लगाया गया कैंप। लिस्ट में शामिल मजदूरों ने पहुंचकर बनवाया अपना आयुष्मान कार्ड, होगा 5 लाख का मुफ्त इलाज। और रविवार को जनपद में दिन भर होती रही छिटपुट बारिश, लोगों को मिला गर्मी और उमस से राहत। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी
फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनपद में 39 केंद्रों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न हुआ। आपको बता दें कि लेखपाल परीक्षा में 18,613 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, जिसमें से 16,500 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। 2,079 अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया था, जो कि भ्रमणशील रहकर केंद्रों का जायजा ले रहे थे। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया था, जिसके संबंध में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर अच्छा आया था। कुछ सवाल कठिन और कुछ सवाल आसान थे। उन्होंने कहा, लग रहा है कट ऑफ ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि पेपर आसान आया था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लेखपाल भर्ती परीक्षा देने वाले शिवम मिश्रा और रजनीश मिश्रा ने कहा, रजनीश मिश्रा, पेपर अच्छा था, किस तरह के क्वेश्चन आए? क्वेश्चन आसान भी थे और कुछ कठिन भी थे। इससे पहले एग्जाम दिया? हाँ, इससे पहले मैंने कई एग्जाम दिया है। क्या लग रहा है पेपर देख के? पेपर देख के मतलब लग रहा है कि इसमें मतलब क्वेश्चन मतलब काफ़ी अच्छे आए थे, और मतलब लगता है कि वो शिवम मिश्रा, आज थी लेखपाल की परीक्षा, UP लेखपाल। किस तरह के क्वेश्चन आए? क्वेश्चन काफ़ी सरल थे, बस ग्रामीण प्रवेश थोड़ा टिपिकल थे क्वेश्चन ग्रामीण प्रवेश के। इससे पहले एग्जाम दिया? नहीं, इससे पहले एग्जाम नहीं दिया था मैंने। क्या लग रहा है पेपर देख के? लग रहा है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है इस बार, क्योंकि हिंदी मैथ और सब सारे सेक्शन बहुत ईजी थे। अगर ग्रामीण प्रवेश को हल्का सा छोड़ दिया जो मॉडरेट लेवल का था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तथा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में साहबगंज स्थित मिर्जापुर से महापौर सीताराम जायसवाल ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जो गोरखपुर बस्ती मंडल के 7 जिलों में तिरंगा यात्रा जाएगी तथा हर जिले के लिए टीम बनाई गई है। टीम के सदस्य लोगों को घरों पर फहराने के लिए राष्ट्रध्वज भेंट करेंगे, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर भारतीय को अपने घरों पर तिरंगा फहराने का केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रेरणा अभियान चलाया गया। इसी के अंतर्गत अनिल उद्योग के माध्यम से बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल के सभी जिलों में तिरंगा यात्रा निकाला गया। जिन लोगों के घरों पर तिरंगा नहीं पहुंचा है, वहां पर तिरंगा यात्रा की टीम द्वारा उनके घरों पर तिरंगा झंडा लगाया जाएगा और अमृत महोत्सव के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, उत्सव के अवसर पर हर भारतीयों को अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराने का केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रेरणा अभियान चलाया गया है। उसी अभियान के तहत अनिल उद्योग द्वारा निर्मित शिव शक्ति कपूर 50 वर्षों से अपने शुद्धता गुणता के लिए प्रसिद्ध है। आज अमृत महोत्सव के अवसर पर शक्ति कपूर अनिल उद्योग के माध्यम से मैं बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल के सभी जिलों में ये तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है।
और जहाँ जहाँ लोगों के घरों पर तिरंगा नहीं पहुँचा है, नहीं पहुँचे होगा, वहाँ शक्ति कपूर माध्यम शिव शक्ति कपूर अनिल उद्योग के तरफ से उन्हें एक एक झंडा उनके घरों पर लगाया जाएगा, उन्हें दिया जाएगा और अमृत महोत्सव के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। हर व्यक्ति में, हर परिवार में राष्ट्रीय भावना से लोग जुड़ें और देश सेवा करें, इसी उद्देश्य से यह यात्रा निकाली जा रही है। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन जिंदा हैं दुनिया में रोशनी की तरह। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार करबला के युद्ध में 10 अक्टूबर सन 680 ईस्वी और इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन एक धर्म युद्ध में शहीद हो गए थे। करबला जो कि आज इराक में है, उसका खलीफा यजीद इस्लाम को अपने अनुसार चलाना चाहता था, लेकिन हुसैन ने उसका ये फैसला मानने से इनकार कर दिया था। यजीद अपने वर्चस्व को पूरे अरब में फैलाना चाहता था। इमाम हुसैन अपने परिवार के साथ मदीना से इराक के शहर कूफा जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यजीद की फ़ौज ने करबला के रेगिस्तान पर इमाम हुसैन के काफिले को रोक दिया। उस दिन मुहर्रम का दिन था जब हुसैन का काफिला करबला के तपते रेगिस्तान पर रुक गया। पूरा काफिला प्यास से व्याकुल था। तब उन्होंने देखा कि फरात टिग्रिस नदी ही पानी का एकमात्र जरिया है, जिस पर यजीद की फ़ौज ने हुसैन के काफिले पर पानी के लिए रोक लगा दी थी। इसके बावजूद भी इमाम हुसैन झुके नहीं और आखिर में दोनों सेनाओं ने युद्ध का ऐलान कर दिया। मुहर्रम के 10वें दिन तक हुसैन अपने भाइयों और अपने साथियों के शवों को दफनाते रहे और अंत में अकेले युद्ध किया। फिर भी दुश्मन उन्हें मार नहीं सके, किंतु एक दिन शाम के समय नमाज पढ़ते वक्त उन्हें मौका देखकर मार दिया गया। करबला के मैदान में हुए नरसंहार में उनके 72 जानिसारों के साथ हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए। तभी से उनकी शहादत को याद किया जाता है। मुहर्रम का चांद नजर आते ही अदादार मुहर्रम में इमाम हुसैन का मातम मनाने वाला अपने इमाम के गम में गमजदा हो जाते हैं। इस दिन ताज़िया निकाला जाता है। ताज़िया यानी बांस की कमाचियों पर रंग बिरंगे कागज़ पन्नी आदि चिपका कर बनाया हुआ मकबरे के आकार का वह मंडप जो मुहर्रम के दिनों में मुसलमान शिया लोग हजरत इमाम हुसैन की कब्र के प्रतीक के रूप में बनाते हैं और जिसके आगे बैठ कर मातम करते हैं और मरसिया पढ़ते हैं। 11वें दिन जुलूस के साथ ले जाकर इसे दफन किया जाता है। ये ताज़िया पैगम्बर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन के मकबरों का प्रतीक होते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 अगस्त 2022 से शुरू होगा। इस्लाम धर्म के अंतिम प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब की जिस दिन मक्का शहर से मदीना की ओर हिजरत यानी प्रवास हुई थी, उस समय से इस्लामी वर्ष के आरंभ की मान्यता दी गई है और मुहर्रम को हिजरी सन का पहला माह तय कर दिया। इस्लामिक वर्ष चंद काल दर्शक है, जिसमें एक वर्ष में 12 मास एवं 354 या 355 दिवस होते हैं। यह वर्ष सौर काल दर्शक वर्ष से 11 दिवस छोटा होता है, इसलिए इस्लामिक धार्मिक तिथियां पिछले सौर वर्ष की अपेक्षा 11 दिन पीछे हो जाती हैं। इस महीने को इस्लाम के पवित्र 4 महीनों में शामिल किया गया है, जिसमें 2 महीने तो मुहर्रम से पहले और 2 मुहर्रम के बाद आते हैं। आज मुहर्रम की पहली तारीख है और इसी मुहर्रम की 10वीं तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने शहादत पेश की थी। जब भी मुहर्रम की बात होती है तो सबसे पहले जिक्र करबला का आता है। आज से लगभग 1400 साल पहले तारीख़ इस्लाम में करबला की जंग हुई थी। यह जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए लड़ी गई थी। हुआ यूँ कि उस दौर में यजीद नामक व्यक्ति गलत तरीके से सत्ता हासिल करके वहाँ की आवाम पर नाइंसाफ़ी और जुल्म कर रहा था और खौफजदा आवाम ने ख़त के ज़रिए हजरत इमाम हुसैन को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की इत्तला दी और शाम आकर सत्ता संभालने का निमंत्रण दिया। आवाम के इस हाल को जानकर अपने तमाम साथियों के मना करने के बावजूद हजरत इमाम हुसैन अपने कुंबे जिनमें 6 और 9 साल के बच्चों के साथ साथ औरतें और बूढ़े थे, इराक के शहर कूफा के लिए रवाना हो गए और करबला के मैदान में खेमा गाड़ा। यजीद को जैसे ही ये बात पता चली, उसने तुरंत अपने 2 सिपा सालारों को उनके पास भेजा और अपनी अतात कबूल करवाने के लिए दबाव बनवाया। इमाम हुसैन ने इससे इनकार किया तो उनके ऊपर खाने पीने की तंगी से लेकर तमाम दबाव बनाया गया, मगर नवासे रसूल ने टस से मस ना हुए। चुनांचे आपके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया गया। एक एक करके आपके सभी साथियों ने शहादत के बाद नमाज के सजदे की हालत में इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया।
जब मुहर्रम का चांद निकलता है तो इस अजीम शहादत की याद ताज़ा हो जाती है। दुनिया जब उस घटना को याद करती है तो दिल तड़प जाता है, रूह बेचैन हो जाती है और आंखों से खून के आंसू रवां हो जाते हैं। सच तो यह है कि आज यजीद का कोई नाम लेवा नहीं है, लेकिन हुसैन के चाहने वाले आज भी ज़िंदा हैं। यह वह हुसैन के चाहने वाले हैं जो मुहर्रम के दौरान ताज़िया और अलम निकाल कर हुसैन को याद करते हैं। हमारे देश में भी मुहर्रम का जुलूस निकालने की बहुत ही पुरानी परंपरा है, जिसमें इमामबाड़ा मियां बाजार के सज्जादा नशीन अदनान फारूक अली शाह उर्फ मियां साहब के नेतृत्व में जुलूस निकाला जाता है। वैसे तो शहर गोरखपुर में पहली मुहर्रम से ही मोहल्ले मोहल्ले जुलूस का गश्त शुरू हो जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पर देखा जाए तो बसंतपुर में मौजूद अज़ा खाने से चौथी का मातमी जुलूस निकलता है, जो हालसीगंज घंटाघर रेती होते हुए गीता प्रेस में रानी अशरफुन्निसा के इमामबाड़े पर जाकर ख़त्म हो जाता है। पाँचवीं मुहर्रम को इमामबाड़ा स्टेट मियां बाज़ार से मियां साहब का तारीखी जुलूस मौजूदा सज्जादा नशीन अदनान फारूक अली शाह उर्फ मियां साहब के नेतृत्व में निकलता है। इस बारे में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए मियां साहब ने बताया कि सभी कार्यक्रम और जुलूस परंपरागत ही निकलेंगे, कोई नई रवायतें नहीं होंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से टेलीफोन पर बात करते हुए इमामबाड़ा इस्टेट के गद्दी नशीन तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य अदनान फारूक अली शाह उर्फ मियां साहब ने कहा, देखिए मुहर्रम का इस्लामी कैलेंडर से आज मुहर्रम का पहला दिन है और इस्लामी नया साल आज से ही शुरू होता है और ये सिलसिला 10 दिन चलता है। तो आज मुहर्रम की पहली है और दसाई जो है वो नबी को पड़ेगी, 9 तारीख को पड़ेगी। और जैसे हम लोगों का जुलूस का सिलसिला है, ये 3-4 मुहर्रम की जो जुलूस है और 6-7-8 मुहर्रम का जो जुलूस है, ये बहुत छोटा सा गट्स होता है जो इमामबाड़ा स्टेट पर निकलता है। पांचवी और दसवीं का शहर का जुलूस है जो शहर के विभिन्न मोहल्लों को भ्रमण करता हुआ मुख्तलिफ जगहों से होते हुए वापस इमामबाड़े आता है, वो बड़ा जुलूस होता है। और इसी तरह नबी का जुलूस है जो रात में शहर में निकलता है और कुछ इलाकों से गुजरता हुआ नखास होते हुए वापस इमामबाड़े पे फिर वापस प्रवेश कर जाता है। जो इस्लामिक कोई नई चीज सर परंपरा मतलब शुरू हो रही है? नहीं, कोई परंपरा हम लोग नहीं शुरू कर रहे हैं, जो पुरानी परंपरा थी उसी पे सबसे कहा गया है और हम भी वही कर रहे हैं, कोई नई परंपरा नहीं शुरू कर रहे हैं, एकदम जो पुरानी परंपराएं थी उसी पे उसी के लिहाज से बहुत खामोशी से और मुहर्रम मनाया जाएगा। श्रम विभाग के कचहरी बस स्टैंड स्थित कार्यालय पर मजदूरों का आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूरों ने पहुंचकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवाया। जिसके संबंध में आयुष्मान कार्ड बनाने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर सत्यम ने बताया कि जिन मजदूरों का श्रम विभाग कार्ड बना था उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है, जिसकी लिस्ट श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया था। लिस्ट के माध्यम से मजदूरों को कॉल करके बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, अभी तक 10 से ज़्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है, आगे भी कार्ड बनाने का कार्य जारी रहेगा जब तक कि लिस्ट में दिए गए नामों में सबका कार्ड बन नहीं जाता, क्योंकि आयुष्मान भारत का कार्ड बनने से 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए आयुष्मान कार्ड बनवाने वाले मजदूर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर सत्यम ने कहा, लेबर कार्ड से बना रहे हैं शर्मिक मनोज कुमार। किस तरह का कैंप लगाया गया? ये लगा है आयुष्मान कार्ड का श्रम विभाग, ये योजना है जो ये कार्यालय यहाँ पर बन रहा है, कल भी बना था आज भी बन रहा है और सभी लोग हम लोग आके कार्ड बनवा रहे हैं। क्या पहले से आप लोग को इन्फॉर्म किया गया था? वहाँ फोन आया था हम लोग के पास, उसी के माध्यम से हम लोग कल आए थे तो कल सर्वर डाउन हो गया था, तो फिर बोले थे अगले दिन आइएगा, तो आज संडे का दिन है तो बुलाए थे। तो का केवल बंदा के बाकी जिनका फोन जा रहा है श्रमिकों का ही बन रहा है फिलहाल में भी श्रमिकों के लिए जी, कैंप लगा जी जी। क्या लाभ मिलेंगे इन सब चीज़ों? इनका आयुष्मान कार्ड से ये लाभ है कि मेडिकलाइज में जो भी होगा उसका लाभ मिलेगा,
और हॉस्पिटल में जो भी लोग बीमार रहेंगे उनके बाद ये कार्ड दिखाने पर उनसे उनको छूट मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। मेरा सत्यम नाम है। किस तरह का कैंप लगाया गया है यहाँ पे? आयुष्मान कार्ड का कैंप लगाया गया है, जिसका लिस्ट में नाम आया है, फ़ोन करके बुलाया जा रहा है, उन्हीं लोग का हो रहा है। केवल श्रमिकों का? जी। लगभग कितने लोग अब तक बन चुके हैं? लगभग 9-10 लोग का हो चुका है। कुछ लक्ष्य भी रखा गया कितने लोगों को बनाना है? ये हमको नहीं पता। जनपद में दिन भर छिटपुट बारिश होती रही। आपको बता दें कि रविवार को सुबह से ही छिटपुट बारिश होती रही, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश को येलो जोन घोषित किया गया था। अगले 2-3 दिनों तक गर्जन के साथ वर्षा होगी, इसलिए ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आएगी रोजगार की बहार, युवा नौकरी पाएंगे 8,000, अडानी ग्रुप, एलएनटी, पेटीएम, ओला, ओप्पो समेत करीब 50 कंपनियां करेंगी युवाओं का चयन। 3 अगस्त को MMTU गोरखपुर में आयोजित होगा वृहद रोजगार मेला। युवाओं को प्रेरित करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे गोरखपुर। शहद के स्टार्टअप से सर्वविदित हो गए गोरखपुर के निमित। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में युवाओं के लिए नजीर के रूप में निमित का किया जिक्र। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मिले ऋण ने दी स्टार्टअप को नई ऊंचाई। निमित की सराहना के लिए सीएम योगी ने दिया पीएम मोदी को धन्यवाद। मुंशी प्रेमचंद की 142वीं जयंती के अवसर पर मुंशी प्रेमचंद पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और इप्टा द्वारा उनकी कहानी पर आधारित नाटक मैकू की प्रस्तुति कर दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, युवा पीढ़ी का प्रेमचंद के साहित्य की गहराइयों को समझने में रुचि लेना एक बदलाव का है सुखद संदेश। जिला अपराध निरोधक कमेटी की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। ने कहा, जेल के अंदर कैदियों के बीच में जाकर उनको उत्साहित करके उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करती है कमेटी। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ राज्यसभा सांसद डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने सुनी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात। कहा, पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक उपलब्धियों से करा रहे हैं परिचित। गोरखपुर में 39 केंद्रों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा सकुशल हुआ संपन्न। 18,613 अभ्यर्थियों में से 16,500 अभ्यर्थी ही परीक्षा में हुए शामिल। 2,079 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तथा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में महापौर ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, जिन लोगों के घरों पर तिरंगा नहीं पहुंचा है उनके घरों पर लगाया जाएगा तिरंगा झंडा। मुहर्रम महीने की 10 तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन एक धर्मयुद्ध में हो गए थे शहीद। नया इस्लामिक वर्ष 1443 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 अगस्त 2022 से होगा शुरू। इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य अदनान फारूक अली शाह उर्फ मियाँ साहब ने कहा, परम्परागत ही निकलेंगे जुलूस, कोई नई नहीं होगी रवायतें। श्रम विभाग के द्वारा कचहरी बस स्टैंड स्थित कार्यालय पर मजदूरों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लगाया गया कैंप। लिस्ट में शामिल मजदूरों ने पहुंचकर बनवाया अपना आयुष्मान कार्ड, होगा 5,00,000 का मुफ्त इलाज। और रविवार को जनपद में दिनभर होती रही छिटपुट बारिश, लोगों को मिला गर्मी और उमस से राहत।
अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।